दिखती है और यहाँ तो जैसे जैसे इंसान का रुतबा बड़ा होता है ना, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आती है। अब देखो मेरा और आपका क्या मुकाबले, माशाल्लाह आप दो बच्चों की माँ हैं, अभी मुझे मेरे पास कोई औलाद नहीं है। आपको ना अपने लिहाज से कितने बच्चे हो चुके हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है, और वो किसके बच्चे हैं वो भी इसको पता नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं कि बच्चे का फादर कौन है, तुझे तो कुछ अता पता ही है कि तो बच्चा किसका है किसका नहीं, तुझे ये भी नहीं पता है कि अरे भाई बच्चा किसका, अरे रात पे क्या बात है, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए। देखो मैं ना न्यू नेबरहुड में हूँ, मुझसे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, बेकार का घमेरा बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है आप मुंह खोले, आपको किसने मना किया, आपको कोई रोक रहा है? आपको मुंह खुलाओ, तुम्हारे पास की बात नहीं है गेम खेलना। आप जो बोलने हमारी कितना चलेगा, पैसा खत्म हो गया उनका, आपको जो बोलने पैसा खत्म हो गया, बुलाइए हमें हमारी को क्या कहते हैं प्रियंका हूँ जो लोगों की मिन्नत करके लोगों को बुलाऊ, हमें मिन्नते करने की जरूरत नहीं, लोग मिन्नते करके हमारे पास आते हैं। जो यूएस का गिफ्टर होता है एकदम बंद रखो, कोई भी गिफ्टर अभी फेक इसके साथ प्रैंक करे ना, यूएस का झंडा लगा के इसको इनबॉक्स में मैसेज करे, कल अगर आपके लिए ये बाहर सड़क पे ना खड़ी हुई मेरा नाम बदल हम यूएस का झंडा लगाए, यूएस में तो है, तुमने कभी शक्ल देखी यूएस की? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटी सी एज में इतना कुछ देखे, आप तो सबर भी नहीं कर सकते। ये बात एकदम सही कही, सबर भी नहीं कर सकते। मेरी लाइफ में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जितना इसने देखा है ना छोटी उम्र में उतना तो शायद ही किसी ने देखा। फैसल क्या हाल है आपको, लिटरली इसने इतना देखा है कि अब इसको देखने की बोलती है, अब मुझे कुछ और नहीं देखना है। छोटी सी उम्र कब बड़ी हो गई इसकी, छोटी उम्र में ही इसने बड़े बड़े कारनामे कर लिए, अब इसको कुछ भी देखने बाकी नहीं है। हम इसको स्कोर से मारेंगे, इसका जुबान खुद बंद हो जाएगी। मजा तो तब जब गिरतों को थाम ले सकी, इसको इस जाहिल औरत से जाहिल खुद बैठे इधर, इसको आराम देना, बहुत बोल रही है ये। जाहिलों से बात करो तो कहो काल सलामा, इनको हम ना जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारी टीम सब मिलके डबल टैप कीजिए और यूएसए का झंडा फ्लैग की पे भी कोई झंडा लगाने के लिए ना अब जिगरा चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग यूएसए का, तुम पाकिस्तान का झंडा लगा लो वही बहुत बात है, तुम पाकिस्तान का झंडा अपने नाम के आगे लगा लो, मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगी। नहीं आप मुझे सलूट ना करें, आपके सलूट की मुझे जरूरत है। पाकिस्तान का झंडा लगा के दिखाओ, छोड़ो यूएसए का झंडा तो है ही नहीं बात, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पाकिस्तान का लगा के दिखाओ, नाम के हरीम शाह के नाम के आगे पाकिस्तान। मेरी बात सुने, हमारे हलाली परचम की बहुत तौकीर है, हम उसको ऐसे बॉर्डर पे लगा के क्यों, जहाँ पे परचम लगाना है हमारा परचम हर जगह बुलंद होते है, क्योंकि हमारा परचम जो है ना हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पे फख्र है। तुम पाकिस्तान की चोर हो, तुम पाकिस्तान की चोर हो, ये इसको गाइस देश निकाला मिला, ये कंट्री में जा नहीं सकती, इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए ना कि अब इसको कंट्री ने मना कर दिया कि हरीम को गरी रखो, हमें नहीं चाहिए कंट्री, हम आपको भेजेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान, हम तो जाएंगे घूमने के लिए, ना मैं तो तुम जाके दिखाओ। सुनो हरीम, जब ना मैं ना तुम अपने कंट्री में खुद जाके दिखाओ, हम चले जाएंगे। गेम क्या, हम सब कुछ हार गए, हम तो पाकिस्तान जाएंगे, वहां पे वीडियो भी बनाएंगे, देख के आएंगे, दम है ना, तुम अपने मेहमानों की कदर करते हैं, हमारे मुल्क में कोई भी आए हम दावत देते हैं, पहले तुम अपने कंट्री में जाके दिखाओ, तुम हरीम तेरे लिए एक डेयर है, तुम पाकिस्तान जा, उधर के सारे शेख रशीद से वीडियो बना के हमारे हमें डाल, हमें जो बोलेगी तू पनिशमेंट वही पनिशमेंट। हमारे हमारे पॉलिटिशियंस को इंडिया की क्या कहते हैं लड़कियां,
उंगलियों पे गिनती है हर वक्त। देखो इसके अपना हस्बैंड छोड़ छोड़ो ना का शहरशीद इसके ख्वाबों में इसके ख्यालों में हर वक्त उछलता रहता है। तुमने क्यों छोड़ दिया इसको भी नहीं पता। अपना हस्बैंड छोड़ के शहरशीद को ऐसे गिन रही होती है जैसे मेरा हस्बैंड छोड़ा तो पाकिस्तान तुमने क्यों छोड़ दिया। पाकिस्तान में मेरा हस्बैंड भी बैठा है तो इधर किसके साथ आई है ये क्या कर दिया बच्चा। गाइस इसने क्या बोला गैर जरूरी बाल लोगों के लोलो के ये हटाती है ये इसका काम है हरीम शाह का काम है। मेरी बात सुने हम नहीं हम सफाई पसंद लोग वेलकम हम सफाई पसंद हम नफासत पसंद लोग हैं ठीक है। हम किसी के कान साफ करें या कुछ भी साफ करें हम सफाई की तलकीन करें तो सफाई साफ कर दे तो कुछ और साफ उनके जेब भी साफ कर दिया और उनके और भी कुछ साफ कर दिया। हर जगह से साफ ही मिलेंगे आपकी तरह नहीं है कि ये इसका काम है लंदन में बैठ के लोगों के कार साफ करती है और उनके बच्चे संभाल के जैसे टाइम मिलता है लाइव आ जाती है। बस इसका यही काम है ये पूरे टाइम यही करती है लंदन में बैठ के कार साफ करती है। वो कार में नहीं अच्छा सा एकदम सेक्सी वाला ड्रेस पहन के लोग ऐसे ऐसे कार साफ करते हैं यही करते हैं इधर बैठ के झोला जैसा ड्रेस पहन के बैठ जाती है। वेलकम बनी सेक्सी ड्रेस अगर पहनूंगी तो मेरी अपनी लाइफ है। मैं निकर पहनूंगी चड्डी पहनूंगी ब्रा पहनूंगी मेरी जिंदगी किसी को क्या। उनका कसम से मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्यों तुम मुझसे इतना जेलस हो। आई मैं तुमसे जेलस जिस दिन हो जाऊंगी समझो मेरा दिन कितना खराब की। हरीम शाह हरीम शाह दो टिकटॉक सेंसेशन गूगल सेंसेशन से मैं जल रही हूँ। आप मेरे से इतने जेलस है ना आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बिलाल को क्यों छोड़ दिया दो के बजाय दो के बिलाल को क्यों छोड़ा। देखो दो के बजाय आप चार बच्चे भी पैदा करो। मेरे बातों का जवाब दो तूने बिलाल को क्यों छोड़ा। मैंने किसी को क्यों छोड़ा ना किसी ने मुझे छोड़े ना मैंने किसी को छोड़े। अगर कोई आकर कुछ बिलाल के साथ रह के सारे कांड किए मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। मैं अपनी जिंदगी ना किसी के हवाले करती हूँ ना अपने ऊपर किसी को मुसल्लत होने देती हूँ। मैं आपकी तरह गुलाम थोड़ी ही हूँ। ना तो इसकी शक्ल है ना तो इसकी पर्सनालिटी है इसको देखते क्या है बाकी नहीं लोग इसको पैसा देते हैं इसी चीज की ट्राई करने हरी। उसका नाम है वो बोल रहा है मेरे पे ट्राई करोगी हरी। मेरी पास तो इसी चीज की तो तुम्हें तकलीफ है ना सर्जरियां करवा करवा के मेकअप थोप के आते हो विदाउट मेकअप बैठती हो फिर भी जेलस होते हो। इतने मेकअप करके नाक फैला होता है कंटूर करके सुबह आपको दो तीन घंटे मेकअप में लगते हैं। मैं भी उठी हूँ हमारे चेहरे इतने हसीन है ना लोग हम सो के भी उठते है ना तो हमसे पानी गंदा हो जाता अगर हम किसी यूएस का जहाज झंडा होगा वहाँ पे तो तुम आगे खड़ी हो झंडा लगाने के लिए जिगरा चाहिए तू। मैंने कुछ देर के तू पाकिस्तान का झंडा लगा ये पाकिस्तान का झंडा निकल सकती है। पाकिस्तान ने इसको सबने निकाल दिया से भगा दिया मस्ती की तरह आउट आउट। हरी तुम्हें ऐसा क्या अपने कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत खराब है उसकी तबीयत बहुत खराब है इसकी नाइट बहुत मेरी आईज स्वेल हुई है ना स्वेल हुई लग रही है ना। हाँ तुम्हारी सब कुछ स्वेलिंग लग रही है तू इतना क्यों काम करती हो। गाइस डबल एक्चुअली मैं आज तीसरा देने में सोई नहीं हूँ तो मेरी आंखें इसीलिए स्वेल हो रही है। तुम भी बना थूकती भी ना लोग ऐसे बोतल में भर के रख लेते वो अपने हम थूकेंगे बिना तो चार पांच दिन जहर बेस रहेंगे। आप जो मर्जी कर लो आपको कोई याद भी नहीं करेगा आपको पता है तस्करा इम्पोर्टेंट लोगों को होते हैं जो मानी हेज लोग होते हैं उनको होते हैं कहते हैं जो फलदार दरख्त होते हैं उनको पत्थर मारे जाते हैं जिनकी कोई वक्त अहमियत होती है उनका कोई जिक्र करता है। वैसे कीड़े मकोड़ों को कौन याद अच्छा, करते हैं प्रियंका को कौन याद करेगा लोग बात रियलिटी की आए तो फिर नीचे तक आग लगती है। हमारे यहाँ नजस चीजों के करीब नहीं जाया जाता जो चीजें नजस होती है वो नजस होती है निजासत होती है। इंडिया में तो पहले वॉशरूम बनाने का भी रिवाज नहीं था कहते हुए जाते थे सारे आखिरी से लाइन लगा के बैठते थे। आप सुनो नो आप देखना इसको आग लगेगी ऐसी आग लगेगी अब ये वो होगी ये मुझे जो मर्जी बोले मुझे आग नहीं लगती बिकॉज इसको आग लगती है आ गया। पांच हजार पनिशमेंट है कहा पनिशमेंट मैच ही नहीं है। मैं क्यों पनिशमेंट मैच बोला बकवास नहीं करो आपने खुद बोला आपने खुद बोला आई डू माय पनिशमेंट आपने खुद बोला आई डू माय पनिशमेंट
आपने मुझे खुद बोला था पनिशमेंट नहीं खेल यार, तुमने सब लोगों के सामने बोला था मैं पनिशमेंट मैच नहीं खेलती। शुक्र मनाओ आज $1 के बजाय किसी ब्रेड ना, ये जो स्कोर मारा ना तुम जहाँ लंदन में बैठी ना वहां से उठ के तुम्हें खर्च खिलाएगा, अब तुम्हारे लिए वायरल वीडियो भी बनाएगा। पनिशमेंट करना है तुम्हें, नहीं करूंगी। आपने खुद बोला था पनिशमेंट नहीं है, क्यों तुम्हारे जानू खेलते तो मैं नहीं करती हूँ। आपने खुद बोला था मैं जब तुम्हारे जानू खेलते आपको उम्मीद थी आपको कोई मारेगा नहीं। अभी आपके पास आएंगे सारे यूएस झंडे वाले आएंगे क्योंकि आप वहां पे अवेलेबल है ना यूएस में। मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा हरीम के साथ। एक बनी बोल रहे वो भी पॉपुलर होना चाहता है तुम्हारे साथ वीडियो में। कितना चार्ज है तुम्हारे वीडियो का? आप अपने साथ पॉपुलर कर दें गाइस, किसी ने अगर हरीम चार्जेस इसके थोड़े ज्यादा है बनी, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बोलती है मैं जब थूकती भी हूँ ना वो भी लोग बॉटल में भर लेते हैं, को बाद में चाटते हैं उसको। ची ची ची। ये तो सच है, ये तो हम खुद देखे। कितने लोग तुम शेख रशीद बेचारे कितने थूक जमा किए होंगे उन्होंने। प्रधानमंत्री का नाम लू या इनके किसी उसका मैं नाम लू देखने इसको कैसी आग लगेगी। अभी इनका मैं बोलूं कि आपका इनके किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लूं या किसी के बारे में कोई बात करूंगी वो भी दलाइल के साथ जो हिस्ट्री के और आग पे दर्ज भी होगा, मतलब ऐसा जिक्र करूंगी। एटलीस्ट शहरीशीन बुढ़े है तो चल तो सकता है ना, इनकी मुदी की तरह स्टेज पर टांगा उठा के गिरा तो नहीं है वो बुढ़ा भी। इनका मतलब मुदी जितना वो क्या बोलूं, आपके मिनिस्टरों की और प्रधानमंत्री की बातें जब मैं यहाँ पे स्टोरियां लोगों को सुनाऊंगी आप यहाँ से भाग जाओगे। अच्छा हरी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितने जानू थे मेरी बात सुनो, उसमें से सबसे फेवरेट कौन से जानू थे, दिल पे हाथ रखे बताना, सवाल है। कितने जानू, मुझे खुद भी याद नहीं है कितने बताना। मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत शुक्र ना शहरीशी ने बता रहा है कि शहरीशी बुलाए, लेकिन प्रियंका भी उस लेवल पे है नहीं कि इसको शहरीशी बुलाए। तुम्हें तो बुलाया था ना, जानता नहीं शॉपिंग वाली वीडियो वायरल हुई थी तुम्हारी। ये नहीं बर्दाश्त कर सकते इनके अंदर, वो सिर्फ मुझसे बोलने की वो है कि हम बोले, बर्दाश्त करना सीखो और तनकीद को खुशी खुशी मेरी तरह बर्दाश्त करो। तुमने शेख रशीद को क्यों छोड़ दिया जानू, कितने तो अच्छे लगते हैं वो, क्यों छोड़ दिया? वो कोई और है ही नहीं ये बेचारा, वो बूढ़ा हो गया था तो बूढ़े होने पे तुम छोड़ दोगी? कोई बूढ़ा हो जाएगा तो तुम छोड़ दोगी उसको? सिर्फ इसलिए कोई छोड़ देगी? वो बाप नहीं बन सकता, गलत बात है कि नहीं गई? प्रियंका को खड़ा करो एक तरफ, आला नस्ल का कुत्ता खड़ा करो, कुत्ते की ज्यादा बोली लगेगी। कुत्तों की इतनी वैल्यू है, लोग यहाँ कुत्तों को सर पे उठा के बैठे, यहाँ पे जितना कुत्ते को प्यार और लाड मिलता है इतना किसी इंसान को भी नहीं मिलता जितनी यहाँ पे इस मुल्क में कुत्ते की वैल्यू है। लेकिन इसको क्या पता, कुत्ते का नाम लिया मम्मी बन गई पूरा बोकना चालू। लेकिन साइंस ने भी उस चीज को साबित किया, प्रूफ किया और उस पर रिसर्च किया, लेकिन ये कहती है कि हम पहले बंदर थे, बंदरों की नस्ल में से थे और हम बंदरों से इंसान। इस बंदरी को के साथ बहस करना तो की नहीं बनती क्योंकि इसको समझ ही नहीं आएगी, ये इलिटरेट है, इलिटरेट है, एक नंबर की जाहिल लड़की है।